कॉमेडियन कपिल शर्मा एक बार फिर से छोटे पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। उनका कमबैक शो फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा शुरू होने से पहले ही चर्चा में बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से कपिल के शो के पहले गेस्ट को लेकर चर्चाएं तेज हो रही थी, वहीं अब शो का एक प्रोमो धूम मचा रहा है। इस प्रोमो में कपिल के साथ बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन नजर आ रहे हैं। वो इस प्रोमो में कपिल को जमकर नखरे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कपिल उन्हें शो पर आने के लिए लाख मिन्नतें करते नजर आ रहे हैं। इस प्रोमो में अजय कपिल को उनकी गलती भी याद दिला रहे हैं। कपिल के इस शो का प्रोमो हाल ही में ट्विटर पर शेयर किया गया। ये प्रोमो 45 सेकंड का है, जिसमें कपिल अजय को फोन करते नजर आते हैं। अजय देवगन फोन उठाकर सभी लाइन व्यस्त होने की बात कह देते हैं। उसके बाद कपिल दोबारा कॉल करते हैं, फिर अजय उन पर तंज कसते हुए कहते हैं कि जैसे आप सबको इंतजार करवाते हैं वैसे इंतजार करें। इसके बाद कपिल माफी मांगते हैं और शो पर आने के लिए अजय देवगन से गुजारिश करते हैं। वो कहते हैं कि आप रेड मारने ही आ जाओ। अजय यहाँ भी मौका नहीं छोड़ते और कहते हैं कि इनकम टैक्स की रेड उनके यहाँ पड़ती है जिनकी कुछ इनकम होती है। शो का ये प्रोमो काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। बता दें कि पिछले काफी समय से कपिल शर्मा के फैंस टीवी पर उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे, वहीं अब वो सोनी टीवी के नए शो फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा से छोटे पर्दे पर कमबैक कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके शो के पहले गेस्ट के रूप में एक्टर अजय देवगन नजर आएंगे। वो अपनी अपकमिंग फिल्म रेड की प्रमोशन के लिए शो में नजर आएंगे। अजय की फिल्म 16 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में अजय के साथ एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज लीड रोल में नजर आएंगी। आपको बता देंगे कपिल शर्मा के इस नए शो का प्रसारण 25 मार्च से सोनी टीवी पर किया जा सकता है। अपना कपिल आ रहा है और पूरे इंडिया के लिए कुछ ला रहा है। एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स से जुड़ी सभी तमाम जानकारियों को सबसे पहले पाने के लिए दिल्ली दर्पण टीवी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कपिल शर्मा के फैन हैं तो इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर